दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको अभी योनो कैश विड्रॉल के लिए एक अपडेट दिया था सीएसपी भाइयों को। जो लोग एसबीआई का कियोस्क पोर्टल चलाते हैं तो उनके लिए एक अपडेट दिया था कि अब जो है सीएसपी पोर्टल के थ्रू वो योनो कैश विड्रॉल भी कर पाएंगे। तो मैंने योनो कैश का विड्रॉल भी करके दिखाया था, लेकिन काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी एरर आ रहा, नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को कहा था कि इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कुछ मैनुअल सेटिंग भी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है एरर वहां पे आता ही रहेगा। तो मुझे काफ़ी भाइयों के जो है कमेंट आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कि कितने कमेंट आ रहे हैं कि इस पे सर एक फ्रेश वीडियो बनाइए जिससे हम जो है सॉफ्टवेयर और मैनुअल सेटिंग करना सीख सकें। तो उन्हीं सारी कमेंटों को लेकर जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है अपने सीएसपी पोर्टल के लिए हम योनो कैश विड्रॉल के ड्राइवर कहाँ से लें, इंस्टॉल कैसे करें, और जो मैनुअल सेटिंग है वो कैसे करेंगे, और उसके बाद जो है हम योनो कैश विड्रॉल कैसे इनेबल कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप वाकई में अपना कियोस्क पोर्टल जो है योनो कैश विड्रॉल के लिए इनेबल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जो है लगातार देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी भगाएंगे, तो एक भी पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया तो आप जो है वहां पे नहीं कर पाएंगे, आपको 100% वहां पे एरर आने वाला है। क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग तो एक अलग चीज है, वो तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल सेटिंग अगर आपकी एक भी कहीं मिस रह गई तो आप योनो कैश विड्रॉल वहां पे इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आपको थोड़ी सी पॉस मशीन में भी सेटिंग करनी है, दूसरा जो है आपको अपने पीसी पे करनी है। तो मैं आपको अपने पीसी पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको पूरा जो है करके दिखाता हूं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग से लेके मैनुअल सेटिंग करने तक, और जो है लास्ट में आपको योनो कैश का विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा शुरू से लेके एंड तक, कहां से स्टार्ट करना, कहां पर आपको जो है खत्म करना है। तो ये पूरा वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूं, तो इस वीडियो को बस जो है ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। तो चलिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको वहां पे दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। तो योनो कैश विड्रॉल के लिए आपको क्या क्या करना रहेगा ये मैं पूरा आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने सीएसपी आईडी को जो है लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट का जो आता है तो ऑनलाइन रिपोर्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन रिपोर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाते हैं, तो यहाँ पे एक डाउनलोड फाइल का देखिए मिल जाएगा। तो डाउनलोड फाइल पे देखिए आपको योनो कैश ड्राइवर का एक दिखेगा, तो यहाँ योनो कैश ड्राइवर का लिंक जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड फाइल के लिए आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब आपके पास जो पॉस मशीन है यानी वेरीफोन की है या इंजेनिको की है, तो जो पॉस मशीन आपके पास है उसी का ड्राइवर आपको जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास इंजेनिको की है तो मैं इसका कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको देखिए सेव करने के लिए बताएगा, तो आप सेव कर लीजिए। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कर रखी है, आप इसे सेव कर लीजिए। जब आपका कंप्लीटली डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या करना रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे अपनी आईडी को कर देता हूँ लॉग आउट। और लॉग आउट करने के बाद देखिए ये डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा योनो कैश सीएसपी के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसे ओपन करेंगे तो ये वो फाइल है जो अभी अभी मैंने डाउनलोड की है रिपोर्ट में जाके, जैसा कि आपको बताया था योनो इंजेनिको के नाम से आया है। तो इसे जो है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एक बार और एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फोल्डर और आ जाएगा बनके। वेरीफोन का भी सेम प्रोसेस है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसका कर रहा हूँ वैसे ही उसका होगा। तो यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो इसमें जो है कुछ आपको ड्राइवर मिल जाएंगे, जैसे DLL वर्जन का मिल जाएगा, SBI इंजेनिको का मिल जाएगा पिनपैड का, तो यहाँ पर जो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको सीधा आपको जो स्टार्ट मेनू दिखेगा विंडो का, तो इस पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स आता है तो यहाँ पे आपको सर्च करना सर्विस। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्विस जो है सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए सर्विस का एक जो है आइकॉन सा आपको बन के मिल जाएगा, सर्विस का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्विस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, एक बार कहीं क्लिक करके और TT प्रेस कीजिए यहाँ पे, यानी कि आपको ढूंढना है टेलीफोनी। तो ये देखिए टेलीफोनी आ गया है, तो यहाँ पे जो है ये आ गया है, आपको ये सर्च कर लेना है। अगर आप TT करके सर्च करेंगे तो ये बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको।
तो टेलीफोन ही पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको। एक बार डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे स्टार्टअप टैप आपको एक दिख रहा होगा लिंक यहाँ पे, ये देखिए मैनुअल जो आ रहा है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटोमेटिक पे। तो जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया और यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टार्ट का सर्विस स्टेटस, तो यहाँ पे इसे कर देंगे स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये स्टार्ट हो गई, और अब कर देंगे यहाँ पे अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद इसे फिर से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो है सर्विस आपकी जो थी, अब आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नजर आएगी, ये हाइड हो गया, तो ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी सर्विस। अब इसके बाद जो हम बाहर आ जाते हैं इससे, और अब आ रही है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग की। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए LLT का ये आपको दिख रहा होगा रार फाइल है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसे भी जो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे, तो इसे मैंने कर लिया। तो इसका एक ये देखिए LLT 524 के नाम से एक फोल्डर आ गया, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, सेटअप मिलेगा LLT का। तो इसे हम डबल क्लिक करके जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस सेटअप को जो है पहले इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सेटअप को नेक्स्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो अपनी जो पॉस मशीन है उसे आप कनेक्ट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी, तो मैंने जो अपनी पॉस मशीन यहाँ पे जो कनेक्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पे, हम यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो इंस्टॉल या टेलियम आ रहा है तो इस पे आपका जो है सिलेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पे अनचेक नहीं रहना चाहिए। अनचेक रहेगा तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे चेक रहने देना, यहाँ पे इसे गौर से देख लेना, अनचेक हो तो इसे चेक कर देना। इसके बाद जो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर लेना, इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन आ रहा है, इस पे भी रहने देना और नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे जो है इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप ओके कर देंगे। ओके पे करेंगे तो ये जो LLT का पूरा सेटअप जो इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक सेटअप कंप्लीट हो गया, आप दूसरा चल रहा है LLT का, तो ये भी जो इंस्टॉल हुआ जा रहा है, तो ये हमारा लगभग कंप्लीट होने पे आ गया। और ये देखिए यहाँ पे हो गया है, इसे लॉन्च पे ही रहने देना, यहाँ पे चेक होके आएगा, इसे लॉन्च पे ही क्लिक रहना और जो है यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर LLT लॉन्च हो गया है, लॉन्च रहने दीजिए। अब नीचे जो हमारा फोल्डर था जहाँ पे हमने डाउनलोड किया था, तो इस पे आ जाएंगे और यहाँ से बैक आएंगे। इस फोल्डर में देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा एक DLL वर्जन 3.7, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो एंजेनिको का सेटअप है इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे जो है इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एवरीऑन पे रहने देना, जस्ट मी पे नहीं करना आपको। और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट, और जो है ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना वीडियो को दोस्तों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए स्किप मत करना वीडियो को। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन जो है गौर से देखना इस वीडियो को। और यहाँ पे ये यस नो मांगेगा परमिशंस, तो इसे यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब एक कमांड चल रही है, तो ये CMD कमांड चालू हो गई है और इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, इसे जो है ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे CMD कमांड और चलेगी आगे, तो इसे चलने देना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसे ऑटो चलने देना, कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है बीच में। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टैप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया है और यहाँ पे इसके नीचे आ गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने कीबोर्ड से जो है कोई भी एक की दबा देना, चाहे एंटर शिफ्ट कुछ भी दबा दीजिए, तो ये सेटअप आपका एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे कर देंगे क्लोज, तो मैंने इसे भी क्लोज कर दिया। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग के बाद आपको आ जाना अपनी पॉस मशीन पे, तो पॉस मशीन आपकी इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक येलो कलर का बटन होगा और एक ये जीरो के बराबर कोने पे होगा डॉट वाला बटन, तो ये दोनों बटन आपको एक साथ में दबाने हैं, ये वाले दोनों, एक येलो बटन और एक ये वाला, गौर से समझ लेना। एक तो नीचे पीला वाला जो बटन है वो दबाना और जीरो के बाद में जो डॉट वाला बटन है इसे, इन दोनों को जो है इस तरीके से देखिए, दोनों को साथ में हम दबाएंगे तो पॉस मशीन हमारी रिस्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बंद होती है तो यहाँ पे ऊपर F3 का है, इसे दबाते रहना है, कंटिन्यू दबाना आपको F3 जो ऊपर दिख रहा देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए LLT नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पे जो है आपको ये F3 दबाते रहना जब तक LLT लिख के ना आ जाए तब तक, तो ये इस तरीके से आपको दबाना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जब तक ना आए तब तक आपको इस तरीके से ये दबाते रहना है। देखिए यहाँ पे LLT लिख के आ गया है, आपको दिख रहा हो इस तरीके से, आपको हो सकता है एक बार में ना आए तो दो चार बार आपको करना है। पहले पीला वाला और डॉट वाला बटन ये दोनों दबाने, रिस्टार्ट हो जाए, रिस्टार्ट जैसे ही होता है वैसे ही आपको ये वाला F3 दबाते रहना है।
ये हर बार करना जब तक आपके सामने कुछ इस तरीके से जैसे कि देखिए LLT लिखा हुआ है ये ना आ जाए। तो अब ये हो गया, इसके बाद जो हम फिर चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, तो इसे हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका LLT जो है सेटअप खुला होना चाहिए, LLT टूल जो है ओपन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बंद करने से मना कर दिया था, तो ये हमारा खुला हुआ। तो यहाँ पर नीचे एक ऐसी डिवाइस थी यानी पॉस मशीन का आइकॉन आपको दिख जाएगा, COM4 COM2 करके कुछ आएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर देखिए होस्ट फाइल खुल के आ जाएगी। यहाँ पर देखिए एक होस्ट एक स्वैप, दो फाइलें आपके सामने आ गई हैं, तो इस तरीके से आपके सामने आ गई होंगी। थोड़ा मैं इसे बीच में कर लेता हूँ जिससे आपको आराम से दिख जाए, तो इस तरीके से मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए इसे, तो इस तरीके से ये फाइल आपके सामने ओपन होकर आ गई होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए स्वैप वाले फोल्डर पे आपको पहले क्लिक करना है। तो यहाँ स्वैप पे क्लिक करेंगे तो इधर इस तरीके से मेन्यू आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इधर सी ड्राइव वगैरह यहाँ पे दिख रही है, सारी डिवाइस आपके कंप्यूटर के दिख रही है। तो आपने जहां भी जो अपना अभी जो डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर, जहां भी आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट करके जहां रखा है आपने वहां पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है सारी फोल्डर खुल के आ जाएंगे। आपने कहाँ पे रखा है वो अपना देख लीजिए, यूजर एडमिन और डेस्कटॉप। अब यहाँ पे देखिए योनो कैश CSP के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, ये आ गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे योनो इंजन को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो फोल्डर आ गया, इस पे जाना है। और यहाँ पर देखिए आपको एक मिल जाएगा SBI इंजेनिको पिन पैड वाला, इस पे आपको क्लिक करना है पिन पैड वाले पे। तो इसके अंदर मिलेगा क्योस्क रूपे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्योस्क रूपे पे एक बार प्रेस करके रखना और इस तरीके से इधर ले आइए। और ये देखिए स्वैप के लिए आया, तो यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये वाली फाइल आपकी यहाँ पे क्योस्क रूपे देखिए आ गई है। तो इस तरीके से आपको ये वाली कर लेनी। अब आपको क्लिक करना होस्ट वाली फाइल पे ऊपर, ये स्वैप के ऊपर जो होस्ट आ रहा, होस्ट पे क्लिक कर लिया हमने। तो यहाँ होस्ट पे क्लिक किया, अब हम फिर से जाते हैं अपने उसी फोल्डर पे जहाँ पे हमने किया हुआ है अपना एक्सट्रैक्ट। तो उसी फोल्डर को हम ढूंढ लेते हैं, हमारा ये पीछे है, तो यहाँ से SBI योनो कैश CSP, ये देखिए फोल्डर आ गया हमारा द्वारा से, इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए योनो करके आपको मिले yono.crt, ये वाला फाइल एक आपको दिख रहा होगा, तो इस पे एक बार प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसे ले आएंगे, होस्ट में इसे सेव कर देंगे। तो ऐसे ही स्क्रॉल करके लाएंगे ये ऑटो सेव हो जाएगा। ये दोनों फाइलें आपकी अब जो है सेव हो गई, होस्ट में भी हो गई और यहाँ पे ये स्वैप में भी हो गई। तो ये दोनों फाइलें आपको इस तरीके से सेव कर लेनी है। तो ये मैनुअल सेटिंग समझना बहुत जरूरी है कि मैनुअल सेटिंग ही लोग नहीं कर पाते हैं, तभी वहां पे कोई एरर आता रहता है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लिया आप जो है योनो कैश विड्रॉल तुरंत करने स्टार्ट कर देंगे। तो इतना सब करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, मैं बंद कर दे रहा हूँ। और आपको जो है यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले एक्सटेंड फाइल की थी इस पे एक बार फिर से आना है, और यहाँ पे जो आपने एक्सटेंड फोल्डर किया था इस पे आना, और यहाँ पे जो योनो वाला आपको इस तरीके से मिल जाएगा इसको कॉपी कर लेना है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और आपको जाना है सी डिवाइस में। तो हम जाते हैं अपने माई कंप्यूटर में और यहाँ पे सी डिवाइस यानी जो विंडो वाली डिवाइस होती है उसमें जाना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे TCS क्योस्क पिन पैड करके एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर आपके में ये केवल TCS ऊपर वाला आ रहा है और नीचे TCS क्योस्क पिन पैड नहीं आ रहा, तो आप एक बार यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो ये वाला फोल्डर आपके में बन के आ जाएगा। अगर बाय द वे आपको नहीं मिलता है ऐसा फोल्डर देखने को, तब के लिए ये बता रहा हूँ, अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसे ओपन करेंगे और जो फाइल हमने कॉपी की थी तो हमने यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पे जो है पेस्ट कर दीजिए। उसे पेस्ट कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पेस्ट कर लीजिए, अब आपका काम हो गया खत्म। तो चलिए अब हम आपको एक विड्रॉल करके दिखाते हैं, लेकिन विड्रॉल होगा नहीं क्योंकि मैं ऐसे ही उल्टा सीधा नंबर डाल के दिखाऊंगा। अगर आप सही देखना चाहते हो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं केवल आपको डेमो में चेक करा रहा हूं। तो अब आपको आ जाना अपनी पॉस मशीन पे सबसे पहले। तो आप जैसा कि साइड से देख रहे हैं पॉस मशीन मैंने कनेक्ट कर ली है और इसे जो है ऑन कर लिया है। तो ये देखिए ऑन हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको प्रेस करना ऐप वाला बटन, जो ऐप लिखा है एक बार इसे दबाएंगे, और यहाँ पे ग्रीन वाला आपको दबाना है। तो ग्रीन वाला हमने दबा दिया, ग्रीन वाला दबा दिया, यहाँ पे वेटिंग आ गया। और इधर आपको डेस्कटॉप पे क्या करना है, देखिए डेस्कटॉप पे अदर सर्विस में जाना है, SBI अदर सर्विस में, और यहाँ पे योनो कैश विड्रॉल पे आपको जाना है। तो इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पॉस मशीन थोड़ी हिल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा हाथ में ही अपना मोबाइल पकड़े हुए इसलिए ना स्टैंड पे नहीं लगाया हुआ है। तो ये देखिए आपके क्योस्क पोर्टल पे ये अमाउंट डालने के लिए आ गया सबसे पहले। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे जितने का भी कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, तो 500 रुपये का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और नीचे आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है जो आपके क्योस्क पोर्टल का है।
तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आप देखिए सबमिट करता हूँ मैं, सबमिट करूँगा तो इधर पॉस मशीन पे गौर करना, जो 500 रुपये मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे डाला इधर पॉस मशीन पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पॉस मशीन पे थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे अब आपको काम करना है थोड़ा सा, क्योंकि अब डैशबोर्ड का भी काम नहीं है, अब पॉस मशीन का काम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट 500 रुपये आ गया पॉस मशीन में, यहाँ पे प्रोसीड का आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन वाला हम दबाएंगे, ग्रीन वाला जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप एंटर रेफरेंस नंबर मांग रहा है, जो रेफरेंस नंबर कस्टमर के मोबाइल पे आता है वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं कोई भी एक जो है ऐसे ही अंदाजे से डाले दे रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पे 6 डिजिट का आता है, तो मैंने 6 डिजिट का यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर एंटर कर दिया और ग्रीन वाला हम प्रेस कर देंगे, ग्रीन वाला बटन जो है हम फिर से दबा देंगे। तो इसके बाद देखिए एंटर पिन नंबर मांग रहा है, तो जो 6 डिजिट का कस्टमर ने पिन अपना बनाया हुआ है वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो मैं ऐसे ही ये भी डाले दे रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है, 6 अंकों का मैंने डाल दिया ऐसे ही, और यहाँ पे ग्रीन वाला हम प्रेस कर देंगे। ग्रीन वाला प्रेस करेंगे तो इधर आपको आप डैशबोर्ड पे ध्यान देना, देखिए सक्सेसफुली आ गया है, तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आप ओके कर देंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक मैसेज आ गया है, इनवैलिड रेफरेंस नंबर और रेफरेंस नंबर एक्सपायर्ड, यानी कि ये बता रहा है आपका या तो रेफरेंस नंबर इनवैलिड है या जो है एक्सपायर हो गया है। तो ये होना ही था, क्योंकि हमने जो रेफरेंस नंबर डाला वो ऐसे ही उल्टा सीधा डाल दिया था, कन्फर्म नहीं था, क्योंकि मैंने अभी जनरेट नहीं किया इसलिए। तो यहाँ पे अगर ये रेफरेंस नंबर सही होता तो आपको यहाँ पे रिसीविंग दे देता आप, और आपका जो है यहाँ पे विड्रॉल जो है सक्सेसफुल हो जाता। तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन बिल्कुल इनेबल है, आप बड़े आराम से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब मैं पॉस मशीन को यहाँ से मोबाइल को ऑफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और मैनुअल सेटिंग करनी है, जरूरत है तो मैनुअल सेटिंग को गौर से देखने की। तो वीडियो को आराम से देखना, भगाना मत, स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से आप जो है सारी सेटिंग कर लीजिए और आप उसके बाद जो है स्टार्ट कीजिए अपनी पॉस मशीन को, तो आप यहाँ पे योनो कैश विड्रॉल कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने पूरा वीडियो देखा हमारा और आपने जो है इस चीज़ को समझा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या मैनुअली सेटिंग करनी है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जो अपने कियोस्क पोर्टल पर जो है SBI योनो विड्रॉल जो है इनेबल कर सकेंगे। और फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन या क्वेरी रहती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई तो आपको दे दूंगा, लेकिन आपकी रिप्लाई में हेल्प नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनुअल सेटिंग है वो रिप्लाई के थ्रू मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ और ना ही आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप ज़्यादा हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या हमें डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको जो है वहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक से जरूर कर लेना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आपको मिल जाएगा उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी मिलेगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियो आपको मिल सकें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जो बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।